इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट अंडर जीएसटी। मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि मैम क्रेडिट एंड डेबिट नोट अंडर जीएसटी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, कंफ्यूजन काफी रहता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट अंडर जीएसटी से। तो मैंने एक सिचुएशन लिया है जिसमें मैंने सेलर के प्रस्पेक्टिव से दिखाने की कोशिश की है। तो सिचुएशन वन इज फ्रॉम सेलर प्रस्पेक्टिव। ए ने सोल्ड किया है गुड्स टू बी से, टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया है, आईजीएसटी 12 रुपया है। तो एंट्री क्या होगी ए के बुक्स में वो देखते हैं। तो एंट्री सिंपली होगी बी अकाउंट डेबिट 112 टू सेल 100 तो आईजीएसटी 12। आईजीएसटी ए के लिए आउटपुट टैक्स है और सेल जो है वो डेबिट क्रेडिट हुआ है और बी जो है उसके लिए डेटर है, उससे पैसा लेना है इसलिए डेबिट हुआ है। अब सिनेरियो वन, एक सिनेरियो में अगर वैल्यू को उसे डिक्रीज करना पड़े, हो सकता है कि ए ने बी से ज्यादा चार्ज कर लिया हो सकता है बी ने ए को गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया हो, वापस दे दिया हो। तो एंट्री क्या होगी ए के बुक्स में, मतलब ए को बी का जो वैल्यू है वो कम करना है, तो एंट्री क्या होगी बुक्स में देखते हैं। तो एंट्री सिंपली होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10 रुपया, आईजीएसटी डेबिट 1.20 टू बी 11.20। तो इस केस में अगर बी के वैल्यू को कम करना है तो हम बी को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। पहले डेबिट हुआ था क्योंकि उससे ज्यादा पैसा लेना है, इतना पैसा लेना है, अब हम क्रेडिट कर रहे हैं वैल्यू कम करने के लिए। तो मैंने रीजन आपको बताया इस वजह से कम हो सकता है और इस केस में टैक्स की जो वैल्यू है वो भी कम हो रही है। अब सिनेरियो टू ऐसा हो सकता है कि वैल्यू को हमें इंक्रीज करना पड़ा। जैसे सपोज कीजिए ए ने बी को माल भेजा 100 रुपए का, लेकिन उसको बेचना था 110 रुपए का, गलती से उसने कम वैल्यू चार्ज कर लिया। ऐसा हो सकता है ना कि उसने कम चार्ज कर लिया, उसको 110 रुपया चार्ज करना था। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एंट्री होगी बुक्स में बी अकाउंट डेबिट टू सेल टू आईजीएसटी। इस केस में बी को जो है डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू को बढ़ाना है, बी के वैल्यू को बढ़ाना। बी हमारा डेटर है और डेटर का नेचर क्या होता है, जब वो बढ़ता है तब डेबिट होता है बुक्स में, तो इसलिए हमको डेटर को डेबिट करना पड़ेगा। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि मैम इस केस में क्या क्या एंट्री हुई। अब एंट्री जब बुक्स में करेगा तो कौन सा नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट। ए जो है वो बी को क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्यों इशू करेगा क्रेडिट नोट, क्योंकि वो बी को अपने बुक्स में क्रेडिट कर रहा है। तो सिंपल मंत्रा है, जब ए बी को अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस इनवॉइस, इन रिस्पेक्ट ऑफ पहले के इनवॉइस की रिस्पेक्ट में क्रेडिट करेगा इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, ये सिचुएशन के कारण कि उसके वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ा तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब ए जो है बी को डेबिट नोट कब इशू करेगा, डेबिट नोट तब इशू करेगा जब अपने बुक्स में उसको डेबिट कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज करना है ना उसको वैल्यू, तो उस केस में वो डेबिट नोट इशू करेगा। तो इस केस में ये सिंपल मंत्रा ये है, क्रेडिटिंग द पार्टी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वी विल इशू क्रेडिट नोट, और डेबिटिंग द पार्टी जब हम डेबिट करेंगे तब डेबिट नोट इशू करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस इनवॉइसेस, जब हमको वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटी में क्या इम्प्लीकेशन है, जीएसटी में क्या इम्प्लीकेशन है। तो जीएसटीआर 1 हम देखते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड पर्सन का क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, एक तो वो ऑप्शन आता है, एक अदर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी हमें दिखता है, और बी टू सी अदर्स में मेरे को नेट ऑफ करके दिखाना पड़ता है क्रेडिट नोट। तो जीएसटीआर 1 में जो क्रेडिट नोट का सेक्शन है वहां पर हमें दिखाना होगा। जीएसटीआर 1 हमारा सेल का डिटेल है, और जीएसटीआर 3B में हम कहाँ दिखाएंगे, जीएसटीआर 3B में हमारा जो भी टोटल सेल है उससे हम क्रेडिट नोट माइनस कर देंगे। तो हमारे को नेट ऑफ फिगर जो है वो जीएसटीआर 3B में दिखाना पड़ता है, क्योंकि जीएसटीआर 3B जो है हमारा पेमेंट का डिटेल है, वहां पर अलग से क्रेडिट नोट का कोई सेक्शन नहीं है, हमको नेट ऑफ करके सेल्स माइनस क्रेडिट नोट दिखाना होगा। अब
अगर हम डेबिट नोट इशू करेंगे, देखिए एक कंफ्यूजन हमेशा आता है कि मैम सेल के केस में तो क्रेडिट नोट होता, डेबिट नोट किस सिचुएशन में होगा? सो वैल्यू को बढ़ानी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस इनवॉइस, जो इनवॉइस आपने इशू कर रखी है उस रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू को बढ़ाना है, तब आप डेबिट नोट इशू करोगे। तो जीएसटीआर 1 में जो सेक्शन है डेबिट नोट का, उस सेक्शन में इफेक्ट आएगा रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, या P2C अदर्स में आप जो है टोटल अमाउंट डेबिट नोट का ऐड करके दिखा सकते हो। जैसे आपका सेल 100 रुपया, डेबिट नोट 10 रुपया आपने इशू किया, तो 100 + 10 आप दिखा सकते हो B2C अदर्स में। अब GSTR 3B में आपको टोटल वैल्यू दिखाना है सेल प्लस डेबिट नोट, ठीक है? उसका अलग से कोई सेक्शन नहीं है कि डेबिट नोट का अलग सेक्शन, राइट? तो ये हमको समझ में आ गया कि सेलर जब है तब कब क्रेडिट नोट इशू करेगा, जब भी सेल रिटर्न हो गया या सेल का या पार्टी का वैल्यू को कम करना है तब वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, और डेबिट नोट जब वैल्यू को इंक्रीज करनी है पार्टी की तब डेबिट नोट इशू होगा। तो ये हमको समझ में आ गया। अब हम सिचुएशन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करते हैं। तो सिचुएशन 2, जैसे ए ने बेचा गुड्स बी को, बी ने परचेज भी तो किया होगा, तो बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए, टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया है, IGST 12 रुपया है। तो इस केस में बी क्या एंट्री मारेगा? बी सिंपली मारेगा परचेज अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू ए। ए को, ए उसका क्रेडिटर होगा। जैसे बी जो है वो ए के लिए डेटर था, तो ए जो है वो बी के लिए क्रेडिटर होगा, राइट? तो वो क्रेडिट कर देगा ए को, और IGST उसके लिए इनपुट टैक्स है, और परचेज जो है उसने डेबिट कर दिया। अब वैल्यू सिनेरियो 1, वैल्यू को कम करना है, तो वो क्या केस हो सकता है कि परचेज रिटर्न हो गया, या हो सकता है ए ने ज्यादा चार्ज कर दिया, कम चार्ज करना था, तो ये केसेस हो सकता है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी बुक्स ऑफ बी में? तो ए को डेबिट करेगा, ठीक है, ए हमारा क्रेडिटर है, डेबिट हो रहा है, और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगा और IGST क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज कम हो रहा है, परचेज कम हो रहा है, और IGST मेरा आउटपुट टैक्स जो है, सॉरी मेरा इनपुट टैक्स जो है वो कम हो रहा है। तो इस केस में हम ए को डेबिट कर रहे हैं, तो हम क्या इश्यू करेंगे वो हम देखते हैं। सिनेरियो 2 में आपको वैल्यू को बढ़ाना है। वैल्यू को कब बढ़ाना हो सकता है? कि हो सकता है कि ए ने मुझे कम वैल्यू चार्ज किया जबकि ज्यादा चार्ज करना था, ये सिचुएशन हो सकता है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 10 रुपया, IGST अकाउंट डेबिट, और 2A मतलब क्रेडिट करना होगा पार्टी को, अगर बढ़ाना है अपने बुक्स में, वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना होगा, और क्रेडिटर को कम करना है तो डेबिट करना होगा। तो इस केस में डेबिट नोट इशू होगा और इस केस में क्रेडिट नोट इशू होगा। तो डेबिटिंग द पार्टी डेबिट नोट, क्रेडिटिंग द पार्टी क्रेडिट नोट, ठीक है? ये सिंपल मंत्रा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस इनवॉइस और कोई सिचुएशन के वजह से, ठीक है? सिचुएशन क्या हो सकता है? वैल्यू को कम करनी है या वैल्यू को बढ़ाना है, दो ही सिचुएशन हो सकता है। वैल्यू को आप कब कम करोगे, कब बढ़ाओगे, वो आपको सोचना है, ठीक है? तो ये 2A में रिफ्लेक्ट होगा, ये भी 2A में रिफ्लेक्ट होगा। सामने वाला GSTR 1 फाइल करेगा तो 2A में जो होता है, GSTR 2A जो होता है आपका GST का रिटर्न होता है जो ऑटो पॉपुलेट होता है, सामने वाला जो सप्लायर है वो GSTR 1 मतलब सेल का डाटा डालता है, और 2A में उसका डिटेल पूरा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है, सामने वाला का सेल मेरा परचेज। ओके, तो हमको समझ में आ गया कि मैम कब डेबिट नोट इशू होता है, कब क्रेडिट नोट इशू होता है। डेबिटिंग द पार्टी डेबिट नोट, क्रेडिटिंग द पार्टी क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस इनवॉइस। और ये हमको समझ में आ गया कि वैल्यू कब बढ़ाना है, कब घटाना है, क्या रीजन हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट टू डिक्लेयर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब कोई भी साल का आपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है वो इशू कर दिया, ठीक है, लेकिन आप GSTR 1 या 3B में कब तक दिखा सकते हो? आपको टाइम लिमिट क्या है, मैक्सिमम कब तक आप अगर भूल गए कोई ईयर का तो कब तक आप दिखा सकते हो? जैसे मेरा 1/4/2020 है और 31/3/2021 है, इसमें मैंने कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रखा है, तो मैं कब तक दिखा सकती हूँ? सेप्टेम्बर का जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का, September 2021 का जो अपकमिंग सेप्टेम्बर है, September 2021, उसका ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2021 या 31 दिसंबर 2021 एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट,
एनुअल रिटर्न का जो हमारा ड्यू डेट है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर है, अर्लियर क्या डेट है, 20 अक्टूबर 2021. तो ये टाइमलाइन हो गया कि अगर आप भूल गए हो तो आप 20 अक्टूबर तक दिखा सकते हो, 20 अक्टूबर 2021. ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है आपको कब आपको डेबिट नोट इश्यू करना है, कब क्रेडिट नोट इश्यू करना है, और सामने वाला जो परचेजर है वो कब डेबिट नोट इश्यू करेगा, कब क्रेडिट नोट जो है वो अपने पार्टी को इश्यू करेगा. तो ये सारी डिटेल्स हम समझ चुके हैं. थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था. आप जरूर कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व. थैंक यू.